जय पबजे। गाना तो आपने जरूर सुना होगा। अगर आप भी दोस्तों पबजी गेम खेलते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। विनर विनर चिकन डिनर, कार 98, टाइटन स्कार, इन चीजों को आप मिस कर रहे हो तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, पबजी वापस लौट कर आने वाला है दोस्तों। इस बात की खबर तो आपको हो सकता है कि 2-3 दिन पहले ही मिल गई हो, लेकिन अब दोस्तों पबजी कंपनी की तरफ से एक थ्रिलर भी जारी किया गया ऑफिशियली सोशल मीडिया के ऊपर। भारत में जल्द ही पबजी की वापसी होने जा रही है। कंपनी ने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो टीजर जारी किया। दरअसल दोस्तों सितंबर की शुरुआत में आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा भारत में इस खेल पर यानी कि पबजी गेम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, राइट। लेकिन आपको बता दूं, डेवलपर्स ने गेम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पेज पर एक टीजर जारी किया और पबजी ऑल न्यू टाइप में मोबाइल भारत में वापस आ रहा, मतलब पबजी मोबाइल जो है ना एक इंडिया के फॉर्म में वापस हमारे भारत में शुरू होने जा रहा। एक नए डेवलपमेंट से पता चलता दोस्तों कि गेम जल्दी वापस आ सकता है। टॉक एक्सपोर्ट्स की एक रिपोर्ट भी बताती है कि नए पबजी मोबाइल गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन टैप भी स्टोर उपलब्ध है। प्री रजिस्ट्रेशन iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए उपलब्ध है। पबजी मोबाइल इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए टैप कम्युनिटी का आपको सदस्य बनना होगा। जी हाँ, खेल को नए वर्जन के रूप में पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दूं, एक रिसर्च के मुताबिक पबजी खेलने वाले हर 4 में से एक आदमी भारतीय है। यानी कि जरा सोचिए दोस्तों कि पबजी बैन होने के बाद पबजी का जस्ट 25% बिजनेस जो है ना वो भारत से था, तो वो बिल्कुल ठप सा हो गया। इसलिए अब पबजी को मतलब जोर तोड़ लगा करके कुछ भी सर्वर वगैरह भारत में स्थापित करके कुछ भी करके कुल मिलाकर के वापस लॉन्च करना जरूरी हो गया था, और इसीलिए भारत में अब वापस पबजी आने जा रहा। पबजी दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले टॉप 5 गेम्स की लिस्ट में भी शामिल है। आपको बता दूं, सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पबजी को 73 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। इनमें से 17.5 करोड़ यानी कि लगभग 24% भारतीय यूजर ने डाउनलोड किया। इतना ही नहीं दोस्तों, गेमिंग की दुनिया में ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला गेम भी है। सो अगर आप भी पबजी खेलते हैं तो वाकई में आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। पबजी कमिंग बैक सून। जिस दिन भी पबजी लॉन्च होगा उस दिन तो मुझे पता है अगर आप पबजी लवर हो तो पार्टी तो बनती है। और वैसे अगर आप पेरेंट्स माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चों को एक शिक्षा दीजिए कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अगर आप गेम को खेलो, एंटरटेनमेंट पर्पज से खेलो, ज्यादा इसके एडिक्टेड ना होना, आदि ना हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई पबजी कोई दुश्मन है या नुकसान देने वाला, ऐसा नहीं। आप एंटरटेनमेंट के लिए मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत खेलिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप एडिक्टेड हो जाते हो, इसके आदि हो जाते हो तो वो गलत बात है। अगर आप माता पिता पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को समझाइए कि इसका थोड़ा इस्तेमाल कम कीजिए और मनोरंजन के पर्पज से खेलिए इसको, ओके। उम्मीद है पबजी को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है। कमेंट में बताइए, फ्री फायर है, पबजी है, या GTA 5 है, या और क्या, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज ब्रेकिंग न्यूज अपडेट से वाकिफ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।